जिसका नाम है मारुति सुजुकी सियाज। 1983 में लॉन्च हुई थी और आज ये अपने फिफ्थ जनरेशन में है। मारुति एसटीम इसकी फर्स्ट जनरेशन थी। पेट्रोल, डीजल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आती है। शुरू होती है 8 लाख से और टॉप मॉडल की कीमत है 12 लाख रुपये। और ये पेट्रोल का टॉप मॉडल सियाज एस आप देख रहे हैं। इसमें साइड स्कर्ट्स, रियर स्पॉइलर और फुल ब्लैक इंटीरियर्स आपको मिलेंगे। और ये हैं प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स। इंडिया, चाइना, थाईलैंड और इंडोनेशिया में असेंबली होती है सियाज की। सुजुकी एलिवियो भी कहा जाता है सियाज को। पेट्रोल में 1600 सीसी और 1200 सीसी इंजन भी आते हैं, बट वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है। सियाज वर्ड का फुल फॉर्म है कंफर्ट, इंटेलिजेंस, एटीट्यूड और जील। और ये हैं 16 इंच के अलॉय व्हील्स। 15 इंच के दो और डिज़ाइंस का भी ऑप्शन है। आगे डिस्क और पीछे ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे। ये वाइट कलर आप देख रहे हैं, रेड, ब्लू, ग्रे, ब्लैक, सिल्वर और ब्राउन का भी ऑप्शन है। लगभग 1500 किलो ग्रॉस वेट है सियाज का। सेफ्टी के अंदर सुजुकी टैक्ट बॉडी, आगे दो एयरबैग्स, ABS, EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर और कैमरा, सीट बेल्ट, प्री टेंशनर और फोर्स लिमिटर के साथ, ISO फिक्स चाइल्ड सीट के लिए और इंजन इमोबिलाइजर आपको मिलेंगे। डीजल इंजन में स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आएगी जो कार की एनर्जी को सेव करेगा और इंजन पावर में हेल्प करेगा। सियाज से पहले SX4 थी, उससे पहले शेरोले ऑप्ट्रा या सुजुकी रेनो। ऑप्ट्रा इंडिया में बिकती थी, वैसे उसका अलग नाम था सुजुकी रेनो अदर कंट्रीज़ में। फिर उससे पहले बलेनो थी और फिर उससे भी पहले एसटीम थी। तो ये फिफ्थ जनरेशन है सियाज। और ये पीछे शानदार बड़ा स्पॉइलर आपको मिलता है। थोड़ी बहुत क्रोम हाइलाइट्स भी है पीछे बूट पे। आइए अब बूट खोलते हैं। यहाँ से आपको हाथ से उठाना पड़ेगा। तो इसके अंदर आपको मिलती है 510 लीटर की बूट स्पेस, काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। इस कारपेट को उठाएंगे तो इसके अंदर स्पेयर व्हील और टूल किट। इसको क्लोज कर देते हैं। आइए पीछे पैसेंजर साइड डोर खोलते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत सिल्वर फिनिश और फुल ब्लैक कलर मिलेगा डोर पे। 4 स्पीकर और 2 ट्विटर का म्यूज़िक सिस्टम है सियाज में। नीचे बॉटल होल्डर और थोड़ी बहुत स्पेस दी गई है। और ये शानदार शाइनी फिनिश सिल्वर में। और ये है ब्लैक लेदर अपॉल्स्ट्री। फैब्रिक का भी ऑप्शन आपको मिलता है। 2 हेडरेस्ट आपको मिलेंगे। और इस टाइप से कुछ फिनिश है ब्लैक लेदर की। सिर्फ एस में ही ब्लैक लेदर आपको मिलेगा, इसके नीचे सारे मॉडल्स में फैब्रिक ही आएगा, क्रीम फैब्रिक। और ये सनशेड आपको मिलता है पीछे। और ये हैंडल बार्स और साथ में ये रीडिंग लाइट्स दी गई है इंडिविजुअल। इधर भी रीडिंग लाइट आपको मिलेगी। और ये पीछे 2 AC वेंट्स मिलेंगे। साथ में 12V का चार्जिंग पोर्ट है। नीचे थोड़ी बहुत स्पेस भी दी गई है। और कुछ ऐसा दिखता है फ्रंट का डैशबोर्ड। लेदर रैप स्टीयरिंग मिलेगा, साथ में क्रोम गार्निश मिलेगी स्टीयरिंग, गियर नॉब और एसी वेंट्स पर। 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है। सीट्स के पीछे भी थोड़ी बहुत स्पेस दी गई है। यही अब ड्राइवर साइड डोर खोलते हैं। तो यहाँ पर भी सिल्वर फिनिश और पूरा ब्लैक डोर मिल रहा है। पावर विंडो के कंट्रोल्स दिए गए हैं और नीचे बॉटल होल्डर और थोड़ी बहुत स्पेस दी गई है। यहाँ पर भी थोड़ी बहुत स्पेस दी गई है कंट्रोल्स के पीछे। सेंटर लॉकिंग के कंट्रोल्स और कुछ ऐसे दिखती हैं फ्रंट की लेदर सीट्स।
सीट एडजस्टर्स, और ये है लेदर अप टिल्ट स्टेयरिंग। थोड़े बहुत कंट्रोल्स भी दिए गए हैं स्टेयरिंग पे, और ये है पोलन फिल्टर के साथ एसी वेंट्स। यहाँ पर थोड़ी बहुत स्पेस दी गई है ड्राइवर के लिए। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है, साथ में नीचे लाइट के कंट्रोल्स दिए गए हैं। ये डिग्गी खोलने के लिए है, ये फ्रंट का बोनेट खोलने के लिए है, पेडल्स, और आर्मरेस्ट आप खोलेंगे तो इसके अंदर भी थोड़ी बहुत स्पेस दी गई है, ज़्यादा स्पेस नहीं है वैसे। और हैंड ब्रेक कीज़ को रख देते हैं, और ये है 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन। 4-speed ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन आपको मिलता है, वो सिर्फ पेट्रोल में आएगा ऑटोमेटिक। ये दो बॉटल होल्डर्स दिए गए हैं, इसको हटाएंगे तो यहाँ पे 12V का चार्जिंग पोर्ट और साथ में USB और ऑक्स, इसको भी इस टाइप से क्लोज कर सकते हैं। और ये ऑटोमेटिक AC, साथ में ऊपर टच स्क्रीन स्मार्ट प्ले सिस्टम सपोर्ट करता है, ब्लूटूथ, नेविगेशन, वॉइस कमांड, एप्पल कारप्ले, मिरर लिंक, CD और USB। और ये ऊपर दो AC वेंट्स मिलेंगे। डैशबोर्ड पे शानदार फिनिश दी गई है सिल्वर में। रियर व्यू मिरर है, ये दो रीडिंग लाइट्स आपको मिलेंगी यहाँ पर, सनग्लासेस होल्डर है यहाँ पे, ये पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर, लाइट नहीं मिलेगी। और ग्लो बॉक्स, काफी स्पेस है ग्लो बॉक्स में। और ये है 3-spoke स्टेयरिंग व्हील, थोड़ी बहुत क्रोम हाइलाइट्स दी गई हैं स्टेयरिंग पे, और ये इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स हैं, वॉल्यूम के कंट्रोल्स हैं। म्यूट करने के कंट्रोल्स हैं, और ये फोन उठाने के कंट्रोल्स और वॉइस कमांड। ये लाइट के कंट्रोल्स हैं यहाँ पे, और ये वाइपर के कंट्रोल्स, और कुछ इस टाइप से दिखता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। बीच में मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले दिखाएगा, ट्रिप मीटर, एवरेज और बाहर का टेम्परेचर। शानदार 4 डायल्स आपको मिल रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर नहीं मिलेगा। आइए फ्रंट का बोनेट खोलते हैं और देखते हैं 1400 सीसी VVT पेट्रोल इंजन, 92 हॉर्स पावर है, 130 Nm का टॉर्क है, और 20 का एवरेज आपको मिलेगा 43 लीटर के फ्यूल टैंक से, और लगभग 190 किलोमीटर पर आर की टॉप स्पीड है। तो ये है VVT पेट्रोल इंजन। VVT का फुल फॉर्म है वेरिएबल वेल्व टाइमिंग, और डीजल में 1300 सीसी DDIS इंजन आएगा जिसकी 89 हॉर्स पावर है और 200 Nm का टॉर्क है, और उसका एवरेज 28 का है। DDIS का फुल फॉर्म है डीजल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम, और ये पेट्रोल इंजन आप देख रहे हैं इसका एवरेज 20 का है, 92 हॉर्स पावर है। आइए अब पेट्रोल इंजन की साउंड सुनते हैं। तो यही थी VVT पेट्रोल इंजन की साउंड।
और इस टाइप से दिखता है. फोर स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, सिर्फ पेट्रोल इंजन में ही आएगा ऑटोमेटिक. आइए अब डीजल इंजन की साउंड सुनते हैं. कैसी लगी आपको मारुति सुजुकी सियाज हमें कमेंट्स में बताइए. थैंक यू.